अगर शरीर में हार्मोन संतुलित नहीं रहते हैं तो इससे कई रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। खासकर महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन के कारण अनियमित पीरियड्स, PMS, PCOD, PCOS और थायराइड आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं हार्मोन्स के संतुलन और पेट को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन कई गंभीर रोगों को जन्म दे सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स हार्मोन्स को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल यह उठता है कि आप शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के कुछ तरीके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। हम सबसे पहले बात करते हैं पसीना बहाने की। जब आपके शरीर से पसीना निकलता है तो यह त्वचा के रोम छिद्रों के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का यह सबसे आसान तरीका है। कोशिश करें कि आप रोजाना 30 से 45 मिनट टहलें, दौड़ें या कोई भी शारीरिक गतिविधि करें जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। अब हम बात करते हैं तरल पदार्थों के सेवन की। कोशिश करें कि आप प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पिएं, साथ ही तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, क्योंकि मूत्राशय के जरिए भी आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आप जितना अधिक तरल पदार्थों का सेवन करेंगे उतना टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको अस्वस्थ ड्रिंक जैसे कोला, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेट को स्वस्थ रखने की। ऐसे पदार्थों का अधिक सेवन करें जो आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही आपको पेट में गैस, कब्ज और अपच की समस्या से बचाते हैं। अनपचा भोजन शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है। आप छाछ, दही, फर्मेंटेड फूड्स जैसे प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करें। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। सांस संबंधी व्यायाम करने से शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिलती है। साथ ही यह आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ये एक्सरसाइज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के सेवन की। आपको अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड को शामिल करना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद मिलती है, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फल और सब्जियों के सेवन की। फल और सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करते हैं। इनके सेवन से गट माइक्रोफ्लोरा बढ़ते हैं, जिससे आंतों की अच्छी सफाई होती है और पेट की समस्याएं दूर रहती है। अब हम बात करते हैं अच्छी और पर्याप्त नींद लेने की। अच्छी और पर्याप्त नींद लेना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसलिए कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। यह आपके माइंड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शांत और टॉक्सिन फ्री नहीं रहेगा तो शरीर को डिटॉक्स करने का कोई फायदा नहीं। अब हम बात करते हैं डिटॉक्स स्मूदी पीने की। स्मूदी में फल, सब्जियां, दूध, दही, नट्स और बीज के साथ ही कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पेट के लिए फायदेमंद सामग्रियों की स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आपको शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आप इन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।